कोरोना संकट पर सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानून मंत्रालय में एक अधिकारी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। शास्त्री भवन का गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 3 तक को इसके बाद एहतियातन सील कर दिया गया है। अब कानून मंत्रालय में भी एक अधिकारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और ये डराने वाली खबर है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी सामने आई है इसको लेकर के और क्या सील होगा अब पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो पूरा? नहीं जी हाँ, जो अगर चौथे शास्त्री भवन के चौथे फ्लोर पे गेट नंबर 2 जो है, 1 और जो 3 है वहाँ पर चौथे फ्लोर पे कानून मंत्रालय है। जो अधिकारी को पॉजिटिव पाया गया है वो कानून मंत्रालय का है और उसी वजह से फोर्थ फ्लोर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3, ये दो गेट हैं जहां से वो अधिकारी का आना जाना होता था और उन दोनों गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों 1 और 3 नंबर गेट के पास जो लिफ्ट है उसे भी बंद कर दिया गया है 6 तारीख से, यानी कल तक दोनों बंद रहेंगे। जो पूरा फ्लोर है फोर्थ फ्लोर वो भी, क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्री भवन है उसमें गेट कई सारे हैं, तो 1 से 3 नंबर का जो गेट का तक की जो जगह है फोर्थ फ्लोर है उसे सील किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, फिलहाल बंद कर दिया गया है जब अधिकारी को पॉजिटिव पाने के बाद। शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। तो देखिए अभी तो काम शुरू ही हुआ था और वर्क फोर्स बढ़ाई गई थी और ऐसे में ऐसे मामलों का सामने आना अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या सही फैसला है या फिर बदलाव की इसमें जरूरत है।